चलिए इस वीडियो में मैं आपको ले चलता हूं अंबाला कैंट की एक फेमस दुकान पर जिनका नाम है पहलवान जी खस्ता कचौरी वाले। कहते हैं इनकी यहाँ की आलू की टिक्की अगर आपने नहीं खाई तो क्या ही आप अंबाला घूमे। तो चलिए बाकी आपको वीडियो में दिखाते हैं। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? एक तो भीड़ में भाई साहब टाइम आना भी लगता है, टाइम लगेगा। इधर टिक्कियां हो रही हैं तैयार। जो यहाँ पे आपको खस्ता कचौरी मिलेगी जी, वो 30 रुपए की, समोसा प्लेट 30 रुपए, टिक्की प्लेट 30 रुपए, गुलाब जामुन 40 रुपए, हाफ प्लेट 20 रुपए। यार हो जा रही है भाई पहलवान। टिक्की ट्राई किए जाए इनकी, फिर हाँ भीड़ एक बार खत्म हो जाए तो उसके बाद देखते हैं सिस्टम। लो जी हाफ प्लेट। प्रॉपर जी क्रिस्पी हो रखी है पूरी, खाने में भी इसका जो टेस्ट आ रहा है ना क्रिस्पी आ रहा है बढ़िया तरीके वाला टिक्की का। एक लगा देना टिक्की, कितने हुए? धन्यवाद। चलिए फिर टेस्ट करते हैं जी इसको। बाकी आप ये देखिए, चलो टिक्की तो अपनी आ गई जी, मैंने हाफ प्लेट ही ली है। ऑलरेडी भीड़ प्रॉपर लगी हुई है यहाँ पे। बाकी टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा है जी। टिक्की के अंदर इन लोगों ने एक तो लाल चटनी डाली है जी, है ना, और कुछ आलू की सब्जी डाली है ऊपर मिक्स करके। आलू की सब्जी है, टिक्की भाई साहब पूरी क्रिस्पी की हुई है। यार टिक्की का थोड़ा मामला जो किया हुआ है ना, कुछ ज्यादा ही क्रिस्पी की हुई है। क्रिस्पी का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी की हुई है, लेकिन टेस्ट जबरदस्त है। अगर टिक्की थोड़ी सी कम क्रिस्पी होती है ना जी, सिस्टम बढ़िया बन जाता फिर। कुछ ज्यादा ही लोगों ने ना, पर टेस्ट वैसे प्रॉपर आ रहा है जी, टेस्ट के अंदर कोई कमी नहीं लग रही। बहुत बढ़िया। अगर मैं इस टिक्की की प्राइस की बात करूं तो जी हाफ प्लेट मैंने ली है और 20 रुपए की टिक्की अपने को मिली है जिसमें एक टिक्की रहेगी। अगर आप फुल प्लेट खाना चाहते हैं तो फुल प्लेट भाई साहब आपको 30 रुपए के मिलेंगे जिसमें दो टिक्की आपको खाने को मिलेगा।
तो इधर जी हैं यश जी पूरी वाले, ये मतलब जो बनाई जा रही हैं फिक्की वाली रहती हैं, और ये अपनी रहती हैं जी नमक वाली, क्या बात है। और इधर गर्मा गर्म बनाई भी जा रही है। आधा किलो तो ये नमकीन वाली हम लोगों ने पैक करवा ली है जी अपने लिए, आधा किलो करा लेते हैं। ये तो बंदा चाय के साथ आराम से खाए, बढ़िया तरीके से नजारा आया था। रिफाइंड में ही बनी हुई होगी ना? हाँ जी, खस्ता तभी होएगी ना। तो चलिए जी, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। बाय बाय।